हम जैसे ही उस प्रभु को आत्मसात करते हैं, हम उस भगवान के हाथों में खुद को सौंप देते हैं, वैसे ही उसकी महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगते हैं। तो हम सबको भगवान का यंत्र बनना है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और एक बार फिर से दोहराता हूँ कि सब मेरे साथ बोलेंगे भी इस बात को, ये ध्यान का बहुत बड़ा फल है, उसका लाभ भी है। हमें भगवान का यंत्र बन करके सारे षड्यंत्रों को दूर करना है। तो आज ये ध्यान योग का अभ्यास इसलिए करवाया आपको कि आप जब ध्यान योग का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर भी वो सामर्थ्य बढ़ेगा, आपके अंदर भी उस भगवान का प्रकाश आएगा, भगवान के ज्ञान से, उसकी शक्ति सामर्थ्य से आप भी युक्त हो जाएंगे। आज ध्यान के साथ हमने शुरुआत की है और मैं आज वहाँ पहुँच नहीं पाया सीधे तौर पर, लेकिन विज्ञान का इस्तेमाल करके आपके बीच में हो ही। नेताजी जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों की सिरमौर हैं, नेताजी जो आज़ादी के, स्वाधीनता के आंदोलन के पुरोधा, नेताजी जिनकी बदौलत, जिनकी अगुवाई में ये देश आज़ाद हुआ, नेताजी 1947 तक भारतीय लोग जिसको पूरे देश में किसी जाति के, किसी पंथ के, किसी मजहब के भेद के बिना अपना सर्वमान्य नेता मानते थे, माने वो पैदा हुए कटक में, और क्योंकि उस समय बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था और पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा और बिहार झारखंड का भी बहुत सा क्षेत्र उसमें सम्मिलित था, देश के लोग आजादी के महायोद्धा के रूप में, एक आइकॉन के रूप में, आदर्श के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते थे। और मैंने तो कई बार कटक की उस पवित्र माटी पर आकर के उस महापुरुष की इस पुण्य भूमि को प्रणाम किया है और आज भी उस महापुरुष की इस पुण्य भूमि, जन्मभूमि कटक को, जिस मातृभूमि के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, उस मातृभूमि को प्रणाम करते हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम करते हुए आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के साथ साथ सुरेंद्र साई जी की भी जयंती है। माने प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम कहा जाता 1857 का, लेकिन 1857 से पहले भी जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, आज़ादी के लिए आंदोलन किया, कभी झुके नहीं, कभी अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा और अंतिम श्वास तक भारत माता के लिए जो संघर्ष करते रहे, मैं मानता हूं कि आज यदि हम स्वाधीन हैं तो इसमें प्रथम आहुति सुरेंद्र साहे की है, तो अंतिम आहुति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। इन दोनों ही महापुरुषों की जयंती पर
हम संकल्प लेते हैं कि उनके सपनों का हम भारत बनाएंगे, हम संकल्प लेते हैं कि उनके अधूरे सपनों को हम पूरा करेंगे। कहने को देश आज आजाद है, राजा रानियों का राज खत्म हो गया, अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, लेकिन इस राजनीतिक तथाकथित आजादी को हमने पातो लिया, लेकिन हम आज भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं है, सांस्कृतिक रूप से आजाद नहीं है। आज भी हम लोग कहने को आजाद हैं, लेकिन चारों तरफ देश के अंदर कितने प्रकार का भ्रष्टाचार, कितने प्रकार का अनाचार। मैं आपसे बात कर रहा था कि कहने को आज हम आजाद हो गए और उसके लिए कितना तप किया अपने पूर्वजों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की शहादत से लेकर उनके बलिदान कुर्बानी से लेकर के कितना तप किया है उन्होंने। 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को तैयार किया और विपरीत परिस्थितियों में जब अंग्रेजों से पूरी दुनिया थर्राती थी, 70 से ज़्यादा देशों में उनका साम्राज्य था, और उसके बावजूद उसने अंग्रेजों से लोहा लिया, देश में आज़ादी की अलख जगाई। और यदि अंग्रेज भागे इस हिंदुस्तान से तो कोई वो गांधी जी के सत्याग्रहों से डर करके नहीं भागे। उनको पता था कि अब वो हिंदुस्तान पर और अधिक शासन नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत, एक विद्रोह पैदा कर दिया था। तो आज मैं कह रहा था यदि हम आजाद भारत में श्वास ले रहे हैं तो इसका प्रथम श्रेय सुरेंद्र साई जी को है और इसका अंतिम श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को है। और आज सब इस कटक की माटी से ये संकल्प लेकर के जाएं कि नेताजी के अधूरे सपनों को हम पूरा करेंगे और इस आधी अधूरी आज़ादी के स्थान पर हम देश में पूरी आज़ादी लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 7 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं के बलिदान को, हम उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को हम एक परिणाम तक लेकर के जाएंगे। आज इसी संदर्भ में हम पूरा संवाद करेंगे।